पर्सनली so मैं यूज करता हूं अल्टा होस्ट एंड इसका जो बेस्ट लगता है मेरे को वो है शेयर्ड स्टार्टर प्लान इसमें आपको फ्री एस एस एल सर्टिफिकेट मिलता क्या होता है जैसे आप इसमें देख पा रहे हो ना एस फॉर सर्टिफिकेट ये रिस्पॉन्सिबल होता है आपकी वेबसाइट को सिक्योर रखने के लिए ये ये प्रोवाइड करते हैं तो लास्ट वीडियो में हमने एक प्रोजेक्ट बनाया था जो हमारा था वेदर एप्लीकेशन जब हम एक वेदर निकालते थे तो ऐसे उस सिटी के बारे में हमारे को आ जाता था लोकल होस्ट एट्टी एट्टी एंड यहां भी देखो लोकल होस्ट एट्टी एट्टी ये वाला लिंक क्या आप किसी को शेयर कर सकते हो नहीं जैसे गूगल डॉट कॉम पे जाओगे तो गूगल डॉट कॉम पे देखोगे https टी टी पी एस डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट गूगल डॉट कॉम आ जाता है सेम अल्टा होस्ट करके खोलते हो तो यहां पे भी आ जाएगा और इन लिंक्स को किसी के साथ आप शेयर करोगे तो वो शेयर भी हो जाएगा तो ये क्या डिफरेंस है हमारी वेबसाइट का लिंक किसी और की यहाँ नहीं खुल रहा बट ये वाला लिंक हर जगह खुल रहा है हाउ so ये कमाल है वेब होस्टिंग का सो व्हाट इज वेब होस्टिंग और हम कैसे अपने प्रोजेक्ट्स को अपनी वेबसाइट्स को होस्ट कर सकते हैं उन सभी के बारे में स्टेप बाय स्टेप गाइड मैं दे रहा हूंगा इस वीडियो के एंड तक विथ रियल लाइफ एग्जाम्पल सो वट इज वेब होस्टिंग तो वेब होस्टिंग एक रियल लाइफ एग्जांपल से ऐसे समझो जैसे आप आ, जोमेटो स्विगी से ऑर्डर करते हो ओके तो कोई बंदा जो किचन में आज खाना दे रहा है उसका खाना आप तक पहुंचाने का काम कौन करता है जोमेटो या स्विगी वाला लाइक like, जोमेटो स्विगी ओला उबर वैसे ही हमारी वेब होस्टिंग जैसे हमारा एक क्लाइंट है कोई वो अपने ब्राउजर पे कोई रिक्वेस्ट भेजता है है ना कुछ भी अगर फॉर्म वॉर्म फिल कर दिया किसी का या कुछ भी चीज आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो आपने एक रिक्वेस्ट भेजी हाँ कोडिंग वाला सर की वीडियो देखनी हमको वो सर्वर पे गई सर्वर पे वहां कोई कंट्रोलर जैसे हमने लास्ट वीडियो में सर्वलेट बनाया एस टी एम एल जे एस पी सी एस एस जावेट ये सारी फाइलें सर्वर पर होती हैं और इसके लिए हमने क्या किया था अपना सर्वर सेटअप किया था पाचे टॉम गेट लोकल सर्वर अपने लोकल होस्ट पे अब वो जो सर्वर है उसकी सिर्फ औकात है अपने ही डिवाइस में चलने की हम चाहते हैं दूसरों के डिवाइस में भी चले हम चाहते हैं दूसरा क्लाइंट भी उसको एक्सेस कर पाए तो उसको वो रिस्पॉन्स भेज पाए किसी और डिवाइस में तो ये कैसे पॉसिबल है ये पॉसिबल है वेब होस्टिंग के द्वारा यस yes, वेब होस्टिंग क्या है एक सर्विस है ओके इट इज दी सर्विस जिसके अंतर्गत आपको ये पूरे का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाता है किसी कंपनी द्वारा जहां पर क्लाइंट की रिक्वेस्ट से लेकर रिस्पॉन्स तक आपके डेटा को सिक्योर रखने तक पूरे डेटा के फ्लो को मेंटेन रखने तक 24 फोर बाय सेवन उसको अप रखने के लिए वो आप सो रहे हो फिर भी रात के टाइम पे वेबसाइट एक्टिव है तो उन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है इसको ट्वेंटी फोर बाय सेवन ऑन रखने की गॉट माई पॉइंट सो कौन सी वेब होस्टिंग है जो मैं पर्सनली यूज करता वो आपको रिकमेंड करूंगा एंड स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कैसे आप उसको यूज कर सकते हो अपने लिए तो so पर्सनली मैं यूज करता हूं अल्टा होस्ट ये हमको सर्विस वेब होस्टिंग वाली प्रोवाइड करती है एंड सबसे मजे की बात क्यों मैं करता हूं देखो यार इसमें बहुत सारे प्राइस है ये हमको बताता है कि दूसरे कॉम्पिटिटर से ये प्राइस में क्या दे रहा है ओके थ्री पॉइंट टू नाइन डॉलर पर मंथ दे रहा है बाकी सबकी आप देख सकते हो मस्ट जो चीज आपको जितनी सर्विस लेनी है शेयर्ड में लेनी है वीपीएस की लेनी है मोस्ट पॉपुलर लेनी है जो भी आपको डिवाइस चाहिए फोर सीपीयू एट जीबी रैम चाहिए टू फिफ्टी

रिस्पॉन्सिबल होता है आपकी वेबसाइट को सिक्योर रखने के लिए तो इसमें मैं अपना लॉग इन करके अकाउंट दिखा देता हूं प्लस आप क्या कर सकते हो क्लाइंट एरिया में जाओगे ना यहाँ पर यहां ऐसे आ जाएगा आप साइन अप कर सकते हो या लॉग इन कर सकते हो अभी मैं लॉग इन कर लेता हूं तो लॉग इन करने के बाद तो so, ऐसा आपको डैशबोर्ड दिखेगा और सबसे अच्छा है इनका सपोर्ट यहाँ पे आपको सपोर्ट में टिकट ओपन टिकट ये सारी चीजें दिख जाएंगी ओके यहाँ से आप अपनी टिकट को रेस कर सकते हो और ट्वेंटी फोर आवर्स या फोर्टी एट आवर्स के अंदर आपको सोल्यूशन मिल जाएंगे ना बात करें कैसे स्टेप बाय स्टेप आप अपनी वेबसाइट को होस्ट कर सकते हो Using Alta Host. Step number one. आपको चाहिए एक डोमेन जैसे इसके अंदर आ रहा है अल्टा होस्ट डॉट कॉम लास्ट में लिखा हुआ आ रहा है तो आपके नेम के साथ आपकी वेबसाइट का नेम डॉट कॉम राइट आगे का डब्ल्यू डब्ल्यू सबका सेम रहता है दैट इज कॉल्ड वर्ल्ड वाइड वेब अब उस डोमेन को रजिस्टर करने के लिए आप यहाँ कर सकते हो डोमेन पे जाओगे इस पे क्लिक कर दो यहाँ आ जाएगा रजिस्टर न्यू डोमेन आप अपने हिसाब से नया डोमेन डॉट कॉम डॉट नेट जो भी आपको चाहिए यहाँ पे टाइप कर दोगे आपका वो डोमेन आपको मिल जाएगा साथ ही साथ आपको साथ में एक और चीजें दिख रही हैं कौन सी होस्टिंग आपको चाहिए यह हमारा स्टेप नंबर टू क्योंकि डोमेन आपको एक एड्रेस देगा आपकी वेबसाइट तक पहुंचने का लेकिन उस डोमेन पे जो भी चीजें रखी हैं उसके लिए चाहिए आपको एक वेब होस्टिंग प्लान बढ़िया सा वो आप अपने हिसाब से देख सकते हो अल्ट्रा होस्ट पे ट्राई करके कि आपको शेयर स्टार्टर चाहिए वीपीएस बेसिक चाहिए या मोस्ट पॉपुलर जो इनका है पावर प्लस वाला वो चाहिए अब बात करते हैं जब आपने एक वेब होस्टिंग प्लान ले लिया है डोमेन ले लिया है थर्ड स्टेप आपको फाइल अपलोड करनी पड़ती है सर्वर के ऊपर तो जो भी सर्विस आप अल्टा होस्ट पे लोगे उस हिसाब से उतने साइज की फाइल्स आप इसके फोल्डर में डाल सकते हो वहां पर अपलोड कर सकते हो अपनी जो भी फाइल्स हैं आपकी सर्वर रिलेटेड फाइल्स एचटीएमएल फाइल्स सी एस एस जावा ओके Now, अब बात करते हैं फोर्थ स्टेप की स्टेप डोमेन यस अब आपको यहां पर कंफिक डोमेन करना पड़ेगा जिसमें सी नेम और डी नेम डालेंगे जिससे जो फाइल्स आपने रखी हैं वो एक्सेस हो पाए प्लस डोमेन के साथ साथ आपको एक और चीज कॉन्फ़िग करोगे दैट इज सर्वर ये सर्वर आपको अल्टा होस्ट की तरफ से मिलेगा 24 फोर बाई सेवन उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी इसको अप रखने की तो ये डिपेंड करता है आपको कौन सा सर्वर चाहिए कितने रैम का चाहिए ये आपके यूजर बेस पे डिपेंड करता है राइट तो एंड एक और चीज बताना भूल गया जैसे ईमेल होस्टिंग होती है है ना ईमेल होस्टिंग भी आपको जैसे कई बार हमने देखा होता है हर किसी की एट द रेट नहीं होती जो कंपनी वाले होते हैं उनके पीछे उस कंपनी का नाम डॉट कॉम आता है तो वो ईमेल होस्टिंग भी मिलती है एक और जो मैं बात कर रहा था इनकी वेबसाइट में जैसे एस एस आ रहा है वो भी ये वेब सिक्योरिटी में जब आप जाओगे एसएसएल सर्टिफिकेट ये भी ये खुद से प्रोवाइड करते हैं जो आपकी वेबसाइट को सिक्योर रखता है और सारी भी इनकी सर्विसेज है एसएसएल सर्टिफिकेट साथ वेबसाइट का बैकअप लेना बहुत जरूरी हो जाता है कई बार कई बार हमारी वेबसाइट एसईओ में अच्छी नहीं होती ऊपर नहीं आती तो एसईओ टूल्स की जरूरत होती है तो वो सारी की सारी चीजें आपको वन बंडल में मिल जाती हैं अल्टा होस्ट पर पर्सनली अगर आप मेरे से पूछोगे तो मुझे ये लगता है जो इनका शेयर्ड स्टार्टर प्लान है सबसे बेस्ट है क्योंकि इसके अंदर एस एस एल सर्टिफिकेट भी मिलता है डोमेन ट्रांसफर भी मिल जाता है टेन थाउजेंड अगर आपके यूजर्स विजिट करते हैं मंथली ये सब एक डोमेन एवरीथिंग थर्टी डेज मनी बैक गारंटी भी मिल रही है दिस विल बी द बेस्ट चॉइस अगर आप सोच रहे एक छोटा सा प्रोजेक्ट डिप्लॉय करने के लिए टेस्टिंग पर्पस से या फिर अपने रिज्यूम में लगाने के लिए वो लिंक शेयर करने के लिए या कोई आप अपना बिजनेस सोच रहे हो उसके हिसाब से अपनी एक वेबसाइट जो बनाई है उसको चेक करने के लिए आई रिकमेंड दिस प्लान ओके तो इसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दिया वहां से आप चेक कर सकते हो अल्टाहा डॉट कॉम को एंड अगर आ, उस लिंक से जाते हो, हो सकता है आपको थोड़ा बहुत इसमें चार्जेस कम लगे ओके कूपन कोड कुछ लग जाए शायद आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट अगर ऐसा कुछ होगा मैं कमेंट सेक्शन में पिंग कर दूंगा आप भी ट्राई करना इस सर्विस को एंड मेरे को बताना अपना जेनवन फीडबैक आपका क्या रहा है कमेंट सेक्शन के अंदर मैं वेट करूंगा आपका ओके देन बाय बाय बेस्ट ऑफ लक